हाँ जी, जय माता दी, राम राम। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। और अभी शाम का टाइम है, 3 बज रहे हैं मतलब, और 3 बज चुके हैं। और जो यहाँ पे जो फोड़ हुआ था ना, वो बढ़ता ही जा रहा है। और उसके लिए हम एक यहाँ पे दवाई लगाते हैं, जिसको बोलते हैं पटको आए। यहाँ पे मेरे को नहीं दिख रही, चलो छोड़ो, अभी तो वैसे भी नहीं लगानी, पर मैं देख रही थी इसमें ना वो पीक जैसा वो पड़ जाता है, पता नहीं क्यों होता है। और ये है मेरी नई कोटी, कैसी लग रही है बताना ज़रूर। बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं शादी को, आज बहुत ज़्यादा ठंड है, मौसम बहुत ख़राब है यहाँ पे, बहुत ख़राब। और बारिश बताइए पता नहीं आजकल कब। और मेरे घर में आए हुए थे कनाडा से मेहमान, और तो इसलिए मैं लेट होगी। बाकी दीदियाँ सभी चली गई हैं सुबह से, सारी दीदियाँ, कमलेश दीदी, बड़ दीदी, वाली, दोनों दीदियाँ। और रेखा ने जाना नहीं था, देवरानी ने जाना नहीं था, उसकी कुछ प्रॉब्लम थी। तो बचे मैं, फिर मैं जा रही हूँ, हनी जा रहा है और हनी के पापा जा रहे हैं। तो शादी है हनी के पापा के मामा की पोती की तो बड़ा लंबा शाक है। तो बस अभी बाजू भी ऊपर को नहीं हो रही है, मैं ऐसे ऐसे करके वीडियो बना रही हूँ बाजू दूर करके ना। तो चलिए, शादी है इनके नानका में, और अगर मेरे नानका में शादी होती तो ये वक्त हो जाता तो इन्होंने बोलना छोड़ पर अब नहीं जाना, अब काहे को जाना। तो ये ऐसा करते हैं मेरे पति देव, ऐसा भेदभाव करते हैं जानबूझ के, पता है उसको टाइटल को हो जाएगा मेरे को देने को। ऐसे है मेरे पति देव, देखो अपने अपने रिश्तेदार में तो सबसे आगे हो जाते हैं जाने को, और मेरे रिश्तेदार की बात आती है देखना, मैं अगली बार बताऊंगी आपको। ऐसा क्यों करते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ननिहाल नजदीक है, इसका दूर है। हाँ ये बात तो है, इनका ननिहाल तो नज़दीक है, पर ऐसे होते हैं ससुराल में, ससुराल ससुराल ही होता है, वहाँ पे मेर तेर बहुत होते हैं और तो चलो अभी हम लोग भी एंजॉय करते हैं। अब ना तो सुबह के टाइम हम गए, लेकिन पता है मेरे लिए वो मेहमान ना बहुत ज़रूरी थे, मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ। वो बहुत दूर से आए थे तो मेरे लिए वो लोग बहुत ज़रूरी थे। अरे अच्छा, खुल गई एक, तो मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी थे क्योंकि अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं ज़िंदगी में। देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं और इनकी बहस होती हुई। देखिए हमारे रोड ना बहुत गंदे हैं और धूल मिट्टी इतनी है ना, यहाँ पे बहुत हिलता है कैमरा, पर ये फ़ोन मेरा बहुत अच्छा है सच्ची। और वो देखो सामने पहाड़ी है, आज सुबह तो ना धूप नहीं निकली है, बस ऐसा ही मौसम है और बहुत बहुत ठंड थी मतलब आज ना। और यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है बहुत दिन हो गए, सर्दियों की बारिश तो पड़ी नहीं, और पहली बारिश हो जाती तो ठीक था। वो देखो मिट्टी मिट्टी वाले धूल वाले, बहुत ठंड है आज, और मेरे को नींद लगी है। और मेरी इन सीटों में ना पीछे फोनी है ऐसे, पहले थे अभी अभी भरी है ना, जब से थोड़ा सा ऊंचा था पहले, अभी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हम लोग पहुंच चुके, अरे शीशा नहीं खोलना पड़ेगा, हम लोग पहुंच चुके हैं झामला से थोड़ा सा पीछे है। और इस टाइम हम यहाँ पे आ चुके हैं पेट्रोल भरवाने, काफी अच्छा खासा अंधेरा हो जाएगा आज मेरे को लग रहा है, और पता नहीं गाय पशुओं का क्या होगा। तो हम पहुंच चुके हैं इनके नन्हे, अब मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे इनके बहुत बड़े बड़े खेत हैं, बहुत अच्छी जमीन है इनके नानका में। और इनका नानका है कहाँ है जी? देखो कच्ची कच्ची गाँव शर्ट होती थी पहले, और ये घर है कच्चा, ये भी इनके नानका का नानकियों का ही है। अब तो बहुत सारे घर बन चुके हैं, लेकिन मेन घर यही होता था पहले। और इनके 5 को 4 मामे थे, और बहुत मतलब इनके जो मामे, ये इनके मेन जो मकान इनके नानकियों का वो ये था सबसे पुराना घर, ये वाला। बाकी फिर अब तो नए बना दिए हैं सबने, लेकिन सबसे पुराना घर, बहुत साल पुराना ये घर। और ऐसे इतने सुंदर तरह से इसको सजा के रखते हैं लोग, और बहुत अच्छे होते थे मिट्टी के मकान, लीप के अच्छा रंग दे के, गोबर मिट्टी से लीप के, स्वच्छ भी रहता था, शुद्धता भी रहती थी। तो बस आजकल तो पक्के हैं, टाइलें लगा देते हैं भाई, चलो अब किसने लीपना, टाइलें का ही कर दो। और ये देखो ये रास्ता गया, अच्छा जहाँ पे इनकी शादी है इनके जो अब अलग अलग घर बांध दिए ना सबने, तो वो थोड़ा नीचे जैसे है,
बाकी एक ही परिवार था और बहुत सबसे सबसे बड़े जिम्मेदार होते थे अपने नानका में। ये इनका एक खेत है, देखो जहाँ तक नजर जाती है ना, कितने बड़े बड़े खेत है ना। देखिए अभी हम शादी वालों के घर में पहुंच चुके, लड़के की शादी थी और वहाँ पे मक्खियाँ मतलब लड़की वालों के ऐसा होता है कि जब बारात चली जाती है, लड़के की विदाई हो जाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं रहता। तो गिनवा चिनवा लोग थे बस, उनमें से एक हम भी थे, नहीं तो हम सुबह जाने थे लड़की के जो लगन का टाइम था या कुछ भी था। दिन को तो बस अपने मेहमानों के लिए मैं नहीं गई, तो इस तरह की सजावट थी। अब तो वो भी उतारने लग गए थे टेंट वाले भी, तो हम हंस रहे थे कि खाने को भी मिलेगा कुछ कि ना मिलेगा। तो इस तरह से इस तरह की डेकोरेशन थी। और ये घर है इनका, जिनकी लड़की थी, इनके मामा की, मामा के लड़के की बेटी की शादी थी, तो इनके मामा का लड़का वो नहीं है जिसकी बेटी की शादी थी। अच्छा अब यहाँ पे खाने बैठ गए थे, ये मटर पनीर है, बस एक ही सब्जी दिखाई आपको। अभी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, अभी हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं दूसरी जगह शादी में, यानी कि यहाँ है मेरी मासी की बेटी, तो उसके लड़के की शादी जो मेरे को कार्ड भी आया था, क्यारड़ गांव में। भाई आज तो शादियां अटेंड कर ली, बारात भी आ गई मेरे ख्याल में। अभी हम यहाँ पे पहुंच चुके थे अपने मामा, नहीं मेरी मासी की लड़की के बेटे की शादी थी, तो मैंने बोला कि वो भी नज़दीक ही है, यहाँ भी जाते हैं। इनका घर देखो भाई, घर ये है मेरी मासी की लड़की का घर। तो मेरी मासी और मेरी अम्मा दो ही बहनें थी, और मासी नहीं है इस दुनिया में, उनके भी एक लड़की है ये वाली, और मेरी अम्मा के भी मैं ही हूँ एक। तो ये गेट यहाँ से मेन दरवाज़ा है जो इनके घर को जाता है, और इस तरह से सजाया था ना इसकी, मतलब बहुत सुंदर आप देख सकते हैं। और मेरी मासी की लड़की, मेरा जो जीजा जी थे वो नहीं है इस दुनिया में, वो बहुत साल पहले यानी कि 18 साल हो गए होंगे तकरीबन, तो उनकी एक एक्सीडेंट में जो है डेथ हो गई थी, तो उनके बेटे की ये शादी है। तो जो बहुत अच्छी फैमिली है इनकी, मेरी मासी की जो लड़की है ना, मेरी दीदी है, उसके सास ससुर बहुत अच्छे हैं, और वो सामने खड़े हैं चादर जैसी, और एक साइड को खड़े ना, ये है इनके ससुर, मेरी दीदी के ससुर, तो इन्होंने बहुत सपोर्ट किया इनको। और एक देवर है, देवरानी है, उनके बच्चे हैं। तो ये देखिए शादी का घर कितना सुंदर लग रहा था। तो अभी बस बारात भी आ ही गई थी थोड़ी देर बाद, तो ये पूरा इनका ही घर था। छोटी छोटी क्लिप्स ली मैंने, ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि हर जगह पे प्रोफेशनल बनना मुझे अच्छा नहीं लगता, और सभी को नहीं पता कि मैं ये काम करती हूँ या कुछ भी है, मतलब मुझे नहीं अच्छा लगता, तो मैंने बस ऐसे थोड़ी थोड़ी क्लिप्स ली। और देखिए यहाँ पे बारात आ चुकी है, चलिए आप एंजॉय कीजिए। आप अगला पूरा जो भी है कैसे यहाँ पे स्वागत होता है दुल्हन का, सारा इसमें बताया गया है।
उसके बाद हम लोग आ चुके हैं घर, और आते आते यहाँ पे एक अन्नी को जैकेट देख रहे थे, वो हुड तो हो गए थे स्कूल के लिए। बाकी फिर यहीं पे मैं वीडियो को ऐड करती हूँ और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। आप लोग देखते हो सब्सक्राइब नहीं करते, तो फिर अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, ठंड का मौसम है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो जय माता दी, राम राम। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। राधे राधे।